नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता, आप सभी का स्वागत है श्री अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश के इतिहास में 5 अगस्त स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया है। 500 वर्षों के संघर्ष का सुखद परिणाम राम मंदिर का निर्माण आरंभ होना है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन, राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखे जाने से प्रारंभ हुआ मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से कार्य प्रगति पर है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण विश्व पटल पर बैठे सभी हिंदुओं की भावना थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अंजाम दिया और माननीय पीएम नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। राम मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हुए 1 वर्ष बीत गए हैं। इन 1 वर्षों में मंदिर निर्माण का कार्य 24 घंटे में 2 शिफ्टों में तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या का विकास भी बहुत तेजी से शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव के लिए तराशे हुए पत्थरों से राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के साथ ही प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है, जबकि इस गुरुवार की रात्रि से ही स्मृति निर्माण से पहले ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। ब्लॉक निर्माण से लेकर स्मृति तक का कार्य 4 माह में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद राम मंदिर के बुनियादी फाउंडेशन का कार्य समाप्त हो जाएगा। आप जो देख रहे हैं, ये वर्तमान में जो फाउंडेशन का कार्य है वो पूरा हो गया है। इसके बाद ही स्मृति और ब्लॉक का कार्य इसके ऊपर से किया जाएगा और इसके बाद जो तराशे हुए पत्थर है वो इन पे रखे जाएंगे और प्रथम चरण का कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि द्वितीय में समाप्त होगा। फाउंडेशन का कार्य समाप्त होने के साथ पत्थरों के उपयोग के साथ प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। राम मंदिर की नींव की मजबूती के लिए बेस तैयार हो गया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और अभी जो हम जहां पर स्थित हैं, ये राम जन्मभूमि की बाउंड्री है, जो कि 67 एकड़ में ये बाउंड्री फैली हुई है। इसके चारों तरफ कैमरे के लिए जो तार बिछाए जा रहे हैं वो कार्य अभी हो रहे हैं। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कैमरे के लिए जो जाल बिछाया जा रहा है उसका कार्य कितनी तेजी से हो रहा है। अभी हम अयोध्या के राम जन्मभूमि के बगल राम कोर्ट परिक्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ पे बहुत कम ही लोगों का आना सुनिश्चित है। ये राम कोर्ट रेड जोन एरिया में पड़ता है। दोस्तों, मजबूती बेस के साथ तैयार होने के बाद स्मृति से पहले ब्लॉक का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए अत्याधुनिक बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं, जो कि कार्य शुरू होने के बाद 10 घंटे में 285 घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी मशीन के जरिए 15 ब्लॉक बनेंगे। इसकी मदद से एक रात में एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा। आप जो ये देख रहे हैं, ये कैमरे की केबल है और जो कि चारों तरफ राम जन्मभूमि की तरफ बिछाया जाएगा। और हमारे बाएं तरफ जितनी दुकानें घरे हैं, इनके पीछे ही राम जन्मभूमि की बाउंड्री है। और आपको आगे ले चलेंगे, वहाँ पे भी बाउंड्री की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता है एक ब्लॉक का निर्मित होने में, क्योंकि निर्मित हुए ब्लॉकों को मजबूती दिया जाएगा। यानी इस माह अक्टूबर और नवंबर तक राम मंदिर के बुनियादी फाउंडेशन का कार्य समापन हो जाएगा। इसके बाद स्मृति के निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो फरवरी तक पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि प्लेट 15 फीट ऊंची होगी, जिसमें 1.5 फीट जमीन की सतह से नीचे होगी और 13.5 फीट जमीन की सतह से ऊपर होगी। फरवरी तक इस प्लेट का कार्य पूरा होने के बाद ही तराशे गए पत्थरों को जोड़कर मंदिर का आकार देना शुरू कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि फाउंडेशन का दूसरे फेज का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके लिए बहुत ही बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। उन्होंने लगभग 10 घंटे में 285 घन मीटर क्रफ्टिंग का कार्य किया है। उनका कहना है कि अक्टूबर में दूसरे फेज का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद प्लेट निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिसे आगामी 4 महीनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अभी आप
श्री राम जन्मभूमि का 3D मॉडल देख सकते हैं और इस परिक्षेत्र में बनने वाले सभी प्रकार के वास्तुकला के हिसाब से इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण में कई धार्मिक वास्तु चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। अगर पूरे श्री राम मंदिर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मंदिर के अलावा यहाँ पर म्यूजियम, गेस्ट हाउस, गैलरी आदि का अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यहाँ पर 360 डिग्री थिएटर होंगे और गैलरी 1 होगी और उसी के बगल ही म्यूजियम होंगे जहाँ पे श्री राम से जुड़ी कहानियाँ आदि की रचनात्मक सुविधाएं होंगी। म्यूजियम के जस्ट बगल ही गैलरी 2 होंगे और उसके बगल धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से यज्ञशाला बनाए जाएंगे। यज्ञशाला के ठीक सामने लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर होगा और लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर के बगल ही कुंड होगा। अगर आप कुंड के व्यू से देखेंगे तो कुछ श्री राम मंदिर इस तरह दिखेगा और कुंड के बगल ही भगवान श्री राम का लेजर शो होगा और लाइट शो होगा जो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बगल आएगा ओरिएंटेशन गैलरी फूड जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेगी और पूरे यहाँ का श्री राम मंदिर का ब्यूटिफिकेशन यानी सौंदर्यकरण कुछ इस प्रकार रहेगा। राम मंदिर के चारों तरफ पूरी तरह हरियाली रहेगी। दोस्तों, कोरोना संकट और अन्य मुश्किलों की वजह से पिछले एक साल में काम की रफ्तार भले ही धीमी रही हो, लेकिन ट्रस्ट को पूरा विश्वास है कि साल 2023 तक भक्त नए मंदिर में ही प्रवेश कर पाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक 2023 तक के अंत में रामलला मंदिर तैयार हो जाएगा और लोगों के लिए दर्शन करने को मिल पाएगा, जबकि पूरा मंदिर श्री राम जन्मभूमि का निर्माण करीब 2025 तक पूरा हो पाएगा। ट्रस्ट के दिए गए 2023 के भरोसे को देखें तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भक्त नए मंदिर रामलला के दर्शन कर पाएंगे, जो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक नया बूस्ट देने का भी कार्य करेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर निर्माण को लेकर फंड की कोई चिंता नहीं है। भले ही अभी राम मंदिर के लिए विदेशी फंड या NRI से फंड लेने की इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों की माने तो अब तक ट्रस्ट को करीब 3,000 करोड़ का चंदा मिल चुका है, जबकि मंदिर निर्माण की लागत 1,000 करोड़ तक ही है। ट्रस्ट के लिए राम मंदिर निर्माण इतना आसान भी नहीं रहा है, क्योंकि इस मंदिर पर पूरे देश की निगाहें हैं और दशकों से संघर्ष के बाद यहां पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति मिल पाई है। ऐसे में ट्रस्ट किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता। भव्य राम मंदिर निर्माण में जो सबसे ज़्यादा वक्त लेने वाली चीज़ है वो मंदिर की नींव का काम है। जब ट्रस्ट बनाया गया था तब उसके बाद सबसे पहले इंजीनियर्स की टीम बनाई गई जिसमें लंबे वक्त तक नींव को लेकर मंथन किया गया। इसमें IIT दिल्ली, IIT लुड़की, IIT गुवाहाटी समेत देश की अन्य संस्थाओं के वरिष्ठ इंजीनियर भी शामिल थे। जब मिट्टी की पहचान और स्टडी की गई तब मालूम पड़ा कि 161 फीट ऊंचे मंदिर के लिए मौजूद स्थिति कमजोर पड़ रही है। इसके बाद नींव को लेकर काम शुरू करने की बारी हुई जिसमें पुरानी सभ्यताओं वाली तकनीकी और नई तकनीकी को लेकर मंथन किया गया, लेकिन बाद में नींव को लेकर काम किया गया तब 70 लाख क्यूबिक फीट मिट्टी को यहाँ से हटाया गया। उसके बाद खाली जगह होने पर बड़ी नींव का निर्माण कार्य शुरू हुआ। भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनेगा उसकी दीवारों पर कई तरह की धार्मिक थीम तैयार की जानी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी आर्ट सेंटर के कई आर्टिस्ट मंदिर निर्माण से जुड़े कई संतों को लेकर साथ इन थीम्स की बात कर रहे हैं। मंथन के बाद ही फाइनल किया जाना है। मंदिर परिसर को पूरा कामकाज मार्बल से होगा, जबकि पिलर और पत्थर वाला काम खत्म होगा। उसके बाद ही मार्बल का कार्य शुरू किया जाएगा।
मंदिर निर्माण के वक्त भूकंप को ध्यान में रखा जा रहा है, ऐसे में मंदिर पर कितना बोझ आएगा इसका अध्ययन भी हो रहा है। माना जा रहा है कि मंदिर के भीतर स्टील का उपयोग नहीं होगा, ऐसे में बुजुर्ग या दिव्यांगों के लिए लिफ्ट भी नहीं लगाई जा सकती। श्री राम मंदिर से अलग हटकर अगर पूरे राम मंदिर परिसर की बात करें तो 110 एकड़ में है। वैसे ट्रस्ट को कुल 67 एकड़ जमीन मिली थी, लेकिन नए प्लान के मुताबिक बाकी जमीन का प्रबंध किया गया है। अयोध्या के एक अधिकारी के मुताबिक जमीन खरीद में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई थी, क्योंकि ट्रस्ट को जमीन की चाहिए थी। उसके मालिक कई तरह की शर्तें रख रहे थे, क्योंकि जमीन की ज़रूरत थी। ऐसे में ट्रस्ट को सभी शर्तों को मानना भी पड़ा। ये सिर्फ एक ही उदाहरण है, जितना बड़ा परिसर है उससे कई तरह की सुविधाएं होंगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों, उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग श्री राम जन्मभूमि का पूर्ण मंदिर निर्माण का दर्शन कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम जी की।